नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स हमारी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल या हानिकारक है। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल एक फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एवं प्रेगनेंसी एक्सपर्ट हूँ। 20 साल से ज्यादा मैं ऑब्स गायनी एवं फर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा अपना सेंटर गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड के नाम से है, जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद एवं मेरठ में स्थित है। आज बात करते हैं, क्या सूर्य ग्रहण वाकई ही प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है? जैसा कि हम जानते हैं कि कल 21 जून को सूर्य ग्रहण है और बहुत सारी मॉमीज बहुत चिंता में होंगी कि यह सूर्य ग्रहण कहीं मेरे बच्चे को इफेक्ट तो नहीं कर सकता है, उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है, मेरी प्रेगनेंसी या मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण एक आकाशीय साइंटिफिक इवेंट है, क्योंकि सूरज, चंद्रमा और धरती तीनों अपनी अपनी धुरी या ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सोलर एक्लिप्स के टाइम पे जो चंद्रमा है वो सूरज और धरती के बीच में एक सीध में आ जाता है, जिससे वह सूरज को ढक देता है और इससे जो है सूरज की किरणें पूरी तरीके से धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ये एक साइंटिफिक इवेंट है। मैं आपको यहाँ पे आश्वस्त करना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण का आपके प्रेगनेंसी पे, आपके आने वाले बच्चे पे कोई भी हानिकारक असर नहीं होता है। ये बहुत कॉमन भ्रांति है कि सूर्य ग्रहण की वजह से बच्चे को फेस की या चेहरे के विकार जैसे क्लेफ्ट लिप या कट्स आ सकते हैं या फिर बर्थ मार्क हो सकते हैं। ये एब्सोल्यूट भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो सूर्य ग्रहण की एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पौराणिक समय से हमारे ज्योतिषी और ये बिलीव करते आए हैं कि जो सूर्य, चंद्रमा और धरती तीनों बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं। सूर्य ग्रहण को एस्ट्रोलॉजिकली मतलब ज्योतिष आचार्य में एक सूर्य पे आई हुई विपदा के रूप में या कष्ट के रूप में देखा जाता है। इसलिए मानव ये डरता है कि शायद उसका कोई असर हमारे बच्चे पे या हमें किसी तरह के नुकसान के रूप में आ सकता है। दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी बिलीव्स अबाउट सोलर एक्लिप्स। देखिए, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी हमारे देश में केवल एक हस्बैंड वाइफ या एक कपल का इवेंट नहीं है, ये फैमिली इवेंट है। इसलिए ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि दोनों तरफ के परिवार, मम्मियां, पापा सब बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सब एडवाइस देने लग जाते हैं ये करो या ये ना करो। क्या कॉमन एडवाइजेस होती है सूर्य ग्रहण में? बाहर मत जाओ सूर्य ग्रहण के समय, बिल्कुल अपने घर के पर्दे वगैरह सब लोग ढक लो, जैसे कि बाहर की रेस अंदर ना आ सके। सूर्य ग्रहण के समय खाना मत खाओ, पानी मत पियो, सूर्य ग्रहण के से पहले और सूर्य ग्रहण के बाद नहा जरूर। खाना जो है उस समय नहीं बनाना चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए। दूसरी एक और चीज कही जाती है, सूर्य ग्रहण को डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो बात करते हैं किसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, इसमें मैं यह कहना चाहूंगी, हाँ, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से बिना स्पेशल चश्मों के डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों? उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे आंखों के पर्दे को डैमेज कर सकती हैं, रेटिना को डैमेज कर सकती है, जिससे आपकी आईसाइट इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो और बातें हैं, इनमें सच पूछो तो कोई साइंटिफिक सच्चाई नहीं है। यहाँ पे बस मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और आप जो है अपने घर के ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि आप घर के अंदर रहना चाहें या फिर, हाँ, ये भी बोला जाता है कि चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये सब चीजें मैनेज कर सकती हैं तो ये आप मैनेज कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई या प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो आप
जा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप आश्वस्त रहें, आपका बेबी या बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी चीज है, जैसे सूर्य ग्रहण कई बार काफी लंबे समय का होता है, जैसे 21 जून वाला सूर्य ग्रहण 9 बजे से 3 बजे के करीब तक का है, तो इतनी देर अगर आप बिना खाना खाए बिना पानी पिए रहेंगी तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। ये चीज सही नहीं है, ये आपके लिए भी सही नहीं है क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, आप फेंट हो सकती हैं, और इतनी देर खाली पेट रहना बच्चे के लिए भी सही नहीं है क्योंकि बच्चा तो आपके खाने पीने पे आश्रित है अपने खाने के लिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण से कुछ भी डरने की बात नहीं है, ये एक आकाशीय साइंटिफिक इवेंट है। अपने विवेक से आप जो चीज सोचती हैं कि आप फॉलो कर सकते हैं वो करिए, मगर अपना नुकसान बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट में डरना बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट gunjanivworld.com पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।